पुढील वृत्त. औरंगाबाद येथे शेतकरी नेते जयाजीराव सूर्यवंशी यांच्या घरावरती शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. शेतकरी प्रश्न क्रियाशील होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हा मोर्चा काढलाय. तर शेतकरी संपात गद्दारी केल्याचा आरोप देखील जयाजी सूर्यवंशी यांच्यावरती होता. जे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी तुमच्या घरी आलेले आहेत, तुम्हाला बाहेर निघण्याचं आवाहन करतायत, काय भूमिका आहे तुमची? की मेरी जो भूमिका आहे की देखो की हमने 2017 में किसानों का कर्ज माफी के लिए आंदोलन चलाया था और बहुत हद तक वो आंदोलन यशस्वी होगा कि पहला देश का पहला ऐसा संप था कि जो किसानों ने किया था और वो किसानों का संप में हमने जो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी उसमें 7 एकड़ के अंदर के किसानों के कर्ज माफी का जो वायदा उन्होंने दिया था वो वायदा वो मुकर गए. और उसके बाद में जो बैठक हो गई वो बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरे कान में बस कुछ बातें की और बातें करके वो कुछ लोगों ने उसका किया अफवाह फैला दिया और मेरी बदनामी हो गई. उस दिन से मेरी फैमिली की हालत बहुत बेकार थी, मेरी हालत बेकार थी क्योंकि लोगों ने मुझे एक रात में नायक का खलनायक बना दिया था और मैंने मेरा खुद का काम छोड़ दिया था कि मैं 42 साल से किसानों के लिए काम झगड़ता था, खुद के पैसे खर्चा करके कॉलेज जीवन से मैं ये कर रहा था और मुझे इतना दुख हो गया कि जो आदमी खुद के पैसे डाल के किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वेश्याओं के लिए, सब लोगों के लिए मैं काम करता था और मेरी बदनामी जो हो गई उससे मैं नाराज हो गया था, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी. इसलिए मैंने मेरा काम रोक दिया था कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि करने के बाद भी जब बदनामी करने लोग कर रहे या जो माध्यम कर रहे या बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो आपकी क्या राय है? नहीं अभी लोग मुझे साल से लोग फोन कर रहे थे कि तुम बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो क्योंकि अभी देखो मराठवाड़े की तो परिस्थिति ऐसी कठिन हो गई कि 2 महीने हो गए अकाल डिक्लेयर किया हुआ है, सरकार ने उन्होंने अकाल की दखल नहीं ली है, कुछ चारा छावनी नहीं, चारा डेपो नहीं, पीने को पानी नहीं है, कर्ज माफी नहीं है, परेशानी इतनी बढ़ गई कि देखो कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मेरे अंदर का कार्यकर्ता अंदर नहीं बैठ सकता. मैं हर रोज ऐसा अंदर खा रहा था कि लोगों की कुछ लोगों की गलती की वजह से मैं बदनाम तो हो गया लेकिन जो हर रोज मैं किसान के लिए रास्ते में था, सड़क पे था, कुएं में था, तालाब में था, कलेक्टर कचरे के ऊपर था, मुख्यमंत्री के सामने चिल्लाता था, जो मंत्री आया था उसके सामने चिल्लाता था और लोगों के हक के लिए लड़ता था, वो मेरा अंदर का कार्यकर्ता हर रोज मुझे अंदर से टॉर्चर कर रहा था कि अरे तू बाहर निकल. लेकिन मैं सोचता था कि अरे जो जिनके लिए मैं बाहर निकलूँ तो वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे कि बाहर निकलो. तो आज जो बड़ी संख्या में औरंगाबाद जिले से और कुछ जगह से लोग आए कि आप बाहर निकलो तो ये समय अभी मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा कार्यकर्ता को मैं न्याय नहीं दिला सकता और जो किसान मैं नहीं बाहर निकलूंगा तो ये सरकार तो अच्छी है, सरकार ने मुझे बदनाम करके उनको जो चाहिए था वो कर दिया कि एक आदमी का मुंह बंद करो कि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको सरकार वही चाहिए था वो सरकार ने किया था. लेकिन आज मुझे एक एहसास हो गया कि जब मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो किसान की आत्महत्या बढ़ सकती है, किसान को नहीं न्याय मिल सकता. मैं अभी किसानों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप बाहर निकलो तो मैं अभी आज ही अभी इनके सामने डिक्लेयर करता हूं कि मैं किसानों के वास्ते कल से या आज से और 1 घंटे के बाद से विभागीय आयुक्त के पास जाऊंगा और मराठवाड़ा का जो अकाल है उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा.